अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाह हिर्रहमान निर्रहीम। हम स्टूडेंट करेंगे डिजिटल सिटीजनशिप और इसका टॉपिक है कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स। हमें कंप्यूटर की सिक्योरिटी की क्या क्या जो है परेशानियां देखने को मिल सकती हैं या हमारे लिए क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं कंप्यूटर की सिक्योरिटी को लेके। कंप्यूटर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी, IT सिक्योरिटी, ठीक है, ये तकरीबन तीनों सेम ही बातें हैं। इज द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर सिस्टम एंड नेटवर्क्स फ्रॉम डिजिटल अटैक्स। ये क्यों लगाई जाती हैं, कंप्यूटर सिक्योरिटी क्यों लगाई जाती है, साइबर सिक्योरिटी क्यों लगाई जाती है, यानी इंटरनेट के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपकी IT की तमाम डिवाइसेज आ जाती हैं, ठीक है। इन तीनों चीज़ों के ऊपर सिक्योरिटी क्यों बिठाई जाती है, ताकि कंप्यूटर को और कंप्यूटर सिस्टम को और पूरे नेटवर्क को बचाया जा सके डिजिटल अटैक से। डिजिटल अटैक क्या है, जहरी बात है कोई बंदा तलवार या बंदूक लेकर तो नहीं आएगा ना आपके कंप्यूटर के अंदर, जहरी बात है वो डिजिटली अटैक करेगा, वो ऐसे वायरसेस भेजेगा या मालवेयर्स भेजेगा जो कि आपके कंप्यूटर को नुकसान करें। वो नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, सच एज हार्म, थेफ्ट, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर, डैमेज और अनऑथराइज्ड यूज़ ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड डाटा। सबसे पहले तो वो या तो चोरी कर लेगा आपकी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जैसे कंपनीज का बहुत अहम डाटा होता है, ठीक है, उनके बैंक अकाउंट्स होते हैं, उनके डीलिंग्स होते हैं, उनके क्लाइंट्स के एड्रेसेस और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है, उनके कोई नए डिज़ाइंस जो उन्होंने अभी एक चीज़ फ्रिज नया बनाना है या कोई नई मशीन बनानी है, उनके डिज़ाइंस भी चोरी हो जाते हैं, हर चीज़ ऑनलाइन रखी हुई होती है, ठीक है। तो वो बचाने के लिए वो या लोग अगर वो चोरी नहीं कर पाते ना तो वो उसको तबाह कर देते हैं वायरस भेज के, तो उस चीज़ से उस चीज़ अपनी इंफॉर्मेशन को बचाने के लिए। इसके अलावा आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तक, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर तो आपका डैमेज होता ही होता है, आपके हार्डवेयर भी ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, आपकी डिस्क उड़ जाती हैं, आपके पूरा पूरा डाटा उड़ जाता है उसमें से और सिस्टम सारा जो है ना ख़राब हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को सेफ रखने के लिए हम ये कंप्यूटर सिक्योरिटी लगाते हैं। दोज अटैक्स यूजली एम टू एक्सेस, चेंज और डिस्ट्रॉय सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। अगर हम बिल्कुल प्रिसाइज वे में देखें ना कि ये हमले क्यों किए जाते हैं कंप्यूटर सिस्टम्स के ऊपर, तो या तो उनका निशाना होता है कि वो एक्सेस हासिल करें आपके पास पासवर्ड, आपकी बैंकिंग इन्फॉर्मेशन, या उसको चेंज कर दें, जो कुछ आपके पास रखा हुआ है उसकी बिल्कुल तब्दीली कर दें, ठीक है, ताकि आप एक्सेस ही ना कर पाओ किसी चीज़ को। वो आप कहो कि मैंने तो डाला था इसके अंदर अपना पासवर्ड, लग क्यों नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि वो चेंज हो चुका हुआ है। और या फिर वो आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो कि आपने बड़ी मुश्किल से इकट्ठी की, बड़ी मुश्किल से संभाल के रखी, उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दें अगर उसको हासिल नहीं कर सकते। इसके अलावा या तो वो एग्जॉट मनी फ्रॉम यूज़र्स, आपके ATM अकाउंट्स या आपके डेबिट कार्ड में से पैसा चोरी करना चाहते हैं, आपके डिजिटल अकाउंट में से पैसे चोरी करना चाहते हैं, ठीक है, और आपके नॉर्मल बिजनेस प्रोसेसेस को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। जैसे कुछ लोगों का काम बहुत अच्छा चल रहा होता है तो हम उनको इस किस्म की उनकी वेबसाइट के ऊपर वायरसेस छोड़ देते हैं कि अगर क्लाइंट उनकी वेबसाइट विजिट करता है ना तो वो खुलती नहीं है, अगर खुलती है तो उसमें ग्लिचेस आ रहे होते हैं और क्लाइंट जो है ना वो डिस्टर्ब या इरीटेट होकर वो वेबसाइट छोड़कर ऑल्टरनेट की तरफ चला जाता है, ठीक है, या फिर उनकी वेबसाइट के पर ऑल्टरनेट सस्ते ऑप्शंस आ रहे होते हैं तो वो जिस चीज़ के लिए वेबसाइट पर गया ना, जैसे मैं जूती खरीदने गई हूँ और मुझे सेम उसी तरह की जूती ज़रा 400-500 सस्ती मिल रही है और उसका ब्लिंक कर रहा होता है लिंक सा, तो मैं उसकी तरफ जाऊँगी, वो मुझे जो है ना अपील करेगा कि मैं क्यों 500 महंगी जूती खरीदूँ, ये भी तो वैसी है ना, तो मैं उनकी वेबसाइट को छोड़कर उस लिंक को क्लिक कर दूँगी, ठीक है। तो ये सारे सिस्टम चलाते हैं लोग। कंप्यूटर सिक्योरिटी हैज़ बिकम सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट एज द यूज़ एंड डिपेंडेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड नेटवर्क्स हैज़ एक्सपेंडेड इन पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल, गवर्नमेंटल एंड पॉलिटिकल एरियाज़। कहीं भी देखें अब ये कंप्यूटर सिक्योरिटी क्यों इतनी अहम होती जा रही है, इसकी क्यों इतनी अहमियत है, क्योंकि हर जगह हर चीज़ हमने कंप्यूटराइज करती हुई है, ठीक है, हर चीज़ ऑनलाइन डाटा के जो है ना हिस्से में आ चुकी हुई है। कोई आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, कंपनीज़ हैं, उनका सारा डाटा, आप अगर गवर्नमेंट के इदारों में जाते हैं हर चीज़ नादरा का सिस्टम है या आपके टैक्स पेयर्स हो या और बहुत सारे गवर्नमेंट के इदारे जो हैं सब ऑनलाइन सिस्टम पर आ चुके हैं। फिर पॉलिटिकल एरियाज भी, बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल वेबसाइट्स भी और पॉलिटिकल जो आपस में डाटा ट्रांसफर होता है वो भी ऑनलाइन रखा हुआ, तो इस वजह से हमारी डिपेंडेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, हम बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं ऑनलाइन और इंटरनेट और कंप्यूटर के ऊपर, तो इसलिए उसकी सिक्योरिटी की ज़रूरत है।
तो चलिए मालवेयर के बारे में पढ़ लेते हैं। अगर हम सिक्योरिटी की बात करें कंप्यूटर की, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम जो अपने कंप्यूटर को सिक्योर कर रहे हैं वो किन चीज़ों से करें उसकी बात ना करें। तो मालवेयर जो होते हैं ना, वेरियस एसोसिएटेड थ्रेट्स एंड अटैक्स टू कंप्यूटर सिक्योरिटी आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज मालवेयर। हम ऐसी सारी थ्रेट्स को जो कि हमारे कंप्यूटर या हमारे इंफॉर्मेशन या हमारे अकाउंट्स को नुकसान पहुँचा सकती है, और डिजिटली हम उसको मालवेयर बुलाते हैं, ठीक है। यानी हम उनको ओवरऑल मालवेयर कहा जाता है, उनको कोई स्पेशल नाम नहीं देते, हम कहते हैं जी मालवेयर्स हैं, ठीक है। Malware is short form for malicious software defined as any software intentionally designed to bring and cause harm and damage to computer systems and networks. ये ऐसा एक सॉफ्टवेयर है malicious, जो कि harmful, malicious means harmful, जो कि internationally इस्तेमाल किया जाता है, इसको डिज़ाइन किया जाता है कि किसी भी मुल्क में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और ये बनाया क्यों जाता है स्पेशल, हार्म करने के लिए और डैमेज करने के लिए कंप्यूटर्स को, उनके सिस्टम्स को और नेटवर्क्स को। नेटवर्क्स क्या होते हैं, एक मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, मैंने 10 कमरों का एक ऑफिस बनाया है, उसके अंदर जितने कंप्यूटर्स हैं वो एक कंप्यूटर नेटवर्क है। अब मेरे ये कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेशनली कनेक्टेड है मेरे दूसरे ऑफिस, जो कि ब्रांच मेरी उसकी अगर आप देखें तो वो सऊदीया में है या दुबई में है या इंग्लैंड में है, ठीक है ना। तो वहाँ के कंप्यूटर्स मेरे कंप्यूटर्स आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो हमारा क्या है, एक पूरा नेटवर्क है, ये सिस्टम है पूरा। इस पूरे सिस्टम को वो डिस्टर्ब कर देंगे, हैक कर लेंगे, इसके लिए ये मालवेयर्स या मलेशियस सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं। सॉफ्टवेयर अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग तरह से नुकसान पहुंचाने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन सब सॉफ्टवेयर को मालवेयर बुलाया जाता है। और ये कंप्यूटर के आपको गेट जो सर्कल नज़र आ रहा है, ये इनमें से कुछ नाम याद कर लीजिएगा, ये भी मालवेयर सॉफ्टवेयर्स हैं या मलेशियस सॉफ्टवेयर्स हैं। वायरसेस की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर वायरसेस डिराइव देयर नेम फ्रॉम बायोलॉजिकल वायरस एज दे बोथ शेयर सम करेक्टरिस्टिक्स। अब इसको वायरस का नाम क्यों दिया गया, कंप्यूटर के अंदर जो हमें खराबी आती है उसको हम वायरस क्यों बुलाते हैं। ये एक बायोलॉजिकल नेम है, जो कि हम बायो की स्टडी के दौरान एक जो एक्चुअल वायरस होता है जो इंसानों को लगता है, जैसे कोविड वगैरह, ठीक है, हमने इसका नाम कंप्यूटर के वायरस को ये नाम क्यों दिया है, क्योंकि ये इनकी खसूसियात आपस में कुछ मिलती जुलती हैं। जो कंप्यूटर का वायरस है या जो बायोलॉजिकल वायरस है, उनकी आपस में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सिमिलर हैं। दे कैन बी व्यूड एज कंप्यूटर प्रोग्राम कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पीसेज ऑफ कोड अटैच्ड टू लेजिटिमेट प्रोग्राम दैट इफ एक्सिक्यूटेड रेप्लिकेट देमसेल्व्स बाय मॉडिफाइंग अदर प्रोग्राम एंड रिप्लेसिंग देम विद देयर कोड विदाउट द नॉलेज ऑफ द यूज़र। अब इनको, इन वायरसेस को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, और सबसे जो ख़तरनाक बात इनकी ये है कि ये ऐसे लगेगा जैसे आपके किसी कंप्यूटर प्रोग्राम का हिस्सा है। यानी दिखने में ये बिल्कुल मासूम लगते हैं, आपको अंदाज़ा ही नहीं हो सकता, यूज़र को अंदाज़ा ही नहीं होगा कि ये कितने उसके लिए हार्मफुल हैं या क्या होगा। अब जैसे ही ये जो है ना छोटे छोटे कोड के तौर पर लेजिटिमेट जो चीज़ें होती हैं, जो बिल्कुल हकीकत पर मबनी प्रोग्राम्स होते हैं, जिस पे बंदा यकीन ही नहीं कर सकता कि इसके साथ वायरस होगा जुड़ा हुआ कहीं से, ठीक है, उसके साथ ये अटैच हुए होते हैं और स्मॉल पीसेस ऑफ कोड के हिसाब से हुए होते हैं। जैसे ही आप वो प्रोग्राम अपने कंप्यूटर के ऊपर ऑन करते हो ना, ये फैल जाते हैं आपके पूरे कंप्यूटर के अंदर, और फिर आपके कंप्यूटर में जितने भी और चीज़ें ना एप्लीकेशन हैं उनके साथ जाके अटैच होना शुरू हो जाते हैं, और उन प्रोग्राम्स या एप्लीकेशंस को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेते हैं, अपने हिसाब से तब्दील कर देते हैं, अपना कोड उस पर लगा, फिर वो आपकी एप्लीकेशन खुलती नहीं। आप कहते हैं अच्छा भला काम कर रहा था, कोई भी एप्लीकेशन नहीं खुल रही, अब वो क्या है, वायरस आ चुका है, उसने अपने कोड्स वहाँ लगा दिए हैं, ठीक है, और आपको पता ही नहीं है। दे आर रिटन फॉर द प्योर पर्पज़ ऑफ डिस्ट्रॉइंग एंड डैमेजिंग सॉफ्टवेयर और इवन हार्डवेयर। अब वो यहाँ पर क्या कर रहा है, उसके ऊपर जो लिखा हुआ है ना वो क्या है, वो आपके असल प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय करने आया है, डैमेज करने आया है, जो भी आपका सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर को तो करेगा करेगा, आपका हार्डवेयर भी जवाब दे जाएगा, ठीक है, आपकी जो डिस्क है वो भी जाएगी, आपकी रैम भी जाएगी, रोम भी जाएगी, ठीक है, तो पूरा कंप्यूटर ही आपका जो है ना आउट ऑफ स्टेटस होगा। और आप अक्सर देखते हो कि आपका कंप्यूटर हीट देना शुरू कर देता है, हीट अप हो जाता है, वो क्यों होता है, क्योंकि अननोन प्रोग्राम्स विच इज़ फाइल्स ओपन हुई होती हैं और वो होती चली जाती हैं, ठीक है, और जो आपका सिक्योरिटी प्रोग्राम है वही जो है ना उसमें गड़बड़ाने शुरू होते हैं कि कितनी एप्लीकेशंस हैं जिनको वो डैमेज कर रहा होता है, डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। वायरसेस में एग्जिस्ट ऑन योर कंप्यूटर बट डू नॉट इन फैक्ट अनलेस ओपन्ड। अब जब तक आपके बेशक कंप्यूटर के अंदर वायरस मौजूद है, आपको नहीं पता, ठीक है, आपने खुद लेकर गए हैं वो वायरस, ऑनलाइन लेकर गए हैं, कोई डिस्क लगाई है, अब तो खैर डिस्क के ज़माने नहीं रहे हैं, ठीक है, कोई हार्ड ड्राइव लगाई है आपने उसके साथ, यानी जो आप USB वगैरह होते हैं, ठीक है ना, उसमें कोई डाटा आपने ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, वो चला गया, उसने जगह जगह कोड लगा दिए जाके,
अब उस वक्त तक वो आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट नहीं करेगा जब तक कि आपको वो वाली एप्लीकेशन आप ना खोल दो जिनके साथ वो अटैच हुए हैं, ठीक है। जैसे ही आपने उसको ओपन किया, समझे आपके कंप्यूटर जो है ना टाटा बाय हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं वॉर्म्स की। अब वॉर्म इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट रेप्लिकेट्स इटसेल्फ वाइल मूविंग अक्रॉस कंप्यूटर्स यूजुअली थ्रू अ नेटवर्क स्प्रेडिंग लाइक एन इन्फेक्शन एंड लीविंग अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ इन द मेमोरी ऑफ ईच कंप्यूटर इट पासस बाय अलॉन्ग द वे। अब वॉर्म्स क्या होते हैं, ये जहाँ जहाँ से गुजरेंगे, ये भी एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और ये क्या इसकी आदत है, ये रिप्लीकेट करता है, अपने फोन से कॉपी कर लेता है, ठीक है। जहाँ जहाँ से ये गुजरेगा, जिस जिस कंप्यूटर का ये हिस्सा बनेगा, जिस जिस नेटवर्क में से जाएगा, वहाँ एक इन्फेक्शन छोड़ कर जाएगा अपनी शक्ल में, ठीक है। उसको कॉपी करता जाएगा और एक कॉपी छोड़ता हुआ चला जाएगा उसकी मेमोरी के अंदर, आपके कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर। आपको पता ही नहीं है, ठीक है। आपका मेमो गुमान भी नहीं जाना कि आप मेमोरी में जाके चेक करें कि यहाँ पर कोई चीज़ बैठी तो नहीं हुई जो आपके कंप्यूटर को डिस्टर्ब कर रही है। कुछ लोग तो सोचते ही नहीं है इस बारे में, ठीक है। वॉर्म्स कैन बी कंसिडर टू बी अ सब क्लास ऑफ वायरसेस। ये वॉर्म्स वायरसेस की सब क्लास हो सकते हैं, उनसे ज़रा छोटे होते हैं। छोटे से मुराद साइज की बात नहीं है, उन जैसे होते हैं लेकिन उतने हार्मफुल नहीं हैं जितने वो हैं, लेकिन हार्मफुल हैं, ठीक है। यानी वायरस की सब क्लास हैं, निचले दर्जे पर हैं। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर वॉर्म यूज रिक्रूसिव मैथड टू कॉपी एंड डिस्ट्रीब्यूट देमसेल्व बेस्ड ऑन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लॉ। अब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लॉ से चलते हैं, डबल ट्रिपल इस तरह करके, ठीक है। लेकिन वायरसेस क्या हैं, वायरसेस जाकर हर जगह हर एप्लीकेशन के साथ चिपक रहे हैं। ये वो काम नहीं करते, ये सिर्फ आपकी मेमोरी में जाते हैं, रेप्लीकेट करते हैं कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तीसरे में, यानी आपके पूरे कंप्यूटर के डाटे को कवर नहीं करते हैं। जस्ट दे गो एंड टेक कंट्रोल एज अ रेप्लिका इन द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। और ज़्यादातर ये किस तरह, अब आप कहेंगे कि ये किस तरह एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाते हैं, तो ये शेयरिंग के थ्रू, जब आप फाइल शेयर करते हो, ठीक है, इवन कि आप अपना इंटरनेट शेयर करते हो, तो ये वहाँ से भी आगे जो है ना इनको रास्ता मिल जाता है, मतलब पोर्टल मिल जाता है इंटरनेट के थ्रू दूसरे रास्ते तरफ जाने का, ठीक है। अब यहाँ थिंक के आपके सेक्शन में वो पूछ रहे हैं हाउ द वर्म एंड वायरस इज़ डिफर या डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो अ वर्म कैन सेल्फ रेप्लीकेट एंड स्प्रेड टू अदर कंप्यूटर्स वाइल अ वायरस कैन नॉट, क्योंकि वर्म जो है ना खुद ब खुद रेप्लीकेट करके आगे से आगे चले, बस उसको एक रास्ता चाहिए जाने के लिए, उसको आपकी ज़रूरत नहीं है कि आप लेकर उसको किसी और चीज़ में लेकर जाओगे, वो खुद ब खुद फैलता चला जाएगा। जबकि वायरस ऐसा नहीं कर सकता, बिकॉज वायरस नीड टू बी सेंड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर बाय अ यूज़र और वाया सॉफ्टवेयर। उसके लिए एक या तो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, अगर आपने वायरस किसी कंप्यूटर में डालना है या किसी नेटवर्क में, या कोई ऐसा यूज़र हो जो कंप्यूटर को यूज़ करते हुए वो वायरस शेयर कर दे किसी के साथ, ठीक है, या भेजे, खुद भेजे किसी की तरफ। ट्रोजन हॉर्सेस के बारे में पढ़ लेते हैं। ट्रोजन हॉर्स और सिंपली ट्रोजन इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट डिसीव्स यूजर्स दैट व्हेन एक्टिवेटेड और ट्रिगर्ड कैन हार्म द कंप्यूटर सिस्टम। अब ये क्या करता है, ये धोखा देता है। दिखने में तो ये बड़ा प्यारा सा आपको हॉर्स नज़र आ रहा है ना, लेकिन इसके अंदर से आप देख रहे हैं कि सिर्फ बग्स बाहर आ रहे हैं, ठीक है। तो देखने में ये आपको ऐसा लगेगा जैसे बहुत अच्छा है, विदाउट एनी हार्म ये आपके कंप्यूटर को बड़ा अच्छा रखेगा। और आप समझते हैं कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे मोबाइल या कंप्यूटर में जिसको हम ऐसे नज़रअंदाज कर देते हैं, यार छोड़ो इतना मासूम सी शक्ल है इस सॉफ्टवेयर की, इसने क्या करना है हमारा। लेकिन वो बहुत खतरनाक वो चीज़ होती है अंदर से, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे बग्स होते हैं, उसमें बहुत सारे बग का मुराद ये वाले बग्स, इंसेक्ट की बात नहीं हो रही, बग्स और भी बहुत छोटे छोटे ग्लिचेज होते हैं जो आपके कंप्यूटर को पकड़ लेते हैं, हमें समझ नहीं आ रही होती। एक जगह से ठीक करते हैं तो दूसरी जगह आते हैं, दूसरी जगह ठीक करते तीसरी जगह आ जाते हैं। ऐसे ही है जैसे आपने डब्बा खोला और इसमें से कीड़े बाहर निकलना शुरू हो गए, ठीक है। और आप एक एक को पकड़ कर मारे हो, कोई सोफे के नीचे घुस रहा है, कोई दीवार पर चढ़ रहा है, कोई अलमारी के नीचे जा रहा है, ठीक है। तो इस ट्रोजन हॉर्स का भी यही हिसाब होता है, जैसे ही आप इसको एक्टिवेट करते हो या ट्रिगर करते हो, समझो उसने अपना काम तमाम कर दिया, आपके कंप्यूटर में उसने फैलना शुरू कर दिया। सम ट्रोजन्स आर इंटेंडेड टू कॉज डिस्टर्बेंस टू यूजर मोर देन मलेशियस वंस लाइक चेंजिंग डेस्कटॉप बैकग्राउंड, वाइल अदर कैन स्पाई स्टील सेंसिटिव डाटा और क्रिएट अ बैक डोर ऑन द कंप्यूटर टू प्रोवाइड एक्सेस टू मलेशियस यूजर्स। अब ये जो छोटे छोटे घोड़े हैं ना, इन मासूम से दिखने में तो बहुत मासूम लग रहे हैं, लेकिन ये करते क्या है, ये आपके ग्लिचेस पैदा करेंगे, आपका बैकग्राउंड खुद ही चेंज हो जाएगा। आप कहेंगे यार मैंने तो रात को तो मैंने ये बैकग्राउंड लगाया था, अब सुबह ऑन किया तो सिस्टम कुछ और शो कर रहा है। इसके अलावा आपको बहुत सेंसिटिव डाटा, आपके जितने भी पासवर्ड लगे हुए हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर या आपके डिजिटल अकाउंट्स पर जो आपके कंप्यूटर में मौजूद हैं, या आपकी कोई सोशल मीडिया के अकाउंट से उनके जो जितने भी पासवर्ड हैं या जो भी आपकी सेंसिटिव डेटा आपकी फाइल की शक्ल में पड़ा हुआ है, सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं,
वो उनको ये एक्सेस कर लेते हैं, या खुद एक्सेस करके ख़राब कर देते हैं, या फिर किसी मलेशियस यूज़र को वहाँ तक एक्सेस दे देते हैं अपने ऊपर बैठा कर। समझ, ये घोड़ा है ना, अपने ऊपर बैठा के किसी और मलेशियस सॉफ्टवेयर को आप तक ले आएगा। कोई ऐसा यूज़र जो आप तक पहुँचना चाह रहा है कि कंप्यूटर तक, वो ट्रोजन का इस्तेमाल करेगा अपने वायरस को आप तक पहुँचाने के लिए। ठीक है, तो ये वायरसेस को भी कैरी करके आप तक ले आते हैं। अनलाइक वायरसेस एंड वर्म्स, ट्रोजन डू नॉट रिप्लीकेट। बस इनकी एक ही अच्छी बात है कि ये रिप्लीकेट नहीं कर सकते, इसलिए पकड़े जाते हैं। मासूम दिखने से ये बचते रहेंगे, लेकिन जिस टाइम इनको बंदा गौर करता है ना, तो फौरन पकड़े जाते हैं। ये रेप्लिकेट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते कि अपनी शक्ल चेंज करके किसी और शक्ल में किसी और के साथ मिल जाएं, ठीक है ना, और अपने आप को चेंज करते जाएं, जैसे कि वॉर्म्स करते हैं। ठीक है, वो बड़े अच्छे रेप्लिकेटर होते हैं, तो ये वाला सीन इनके अंदर नहीं है। उम्मीद करती हूँ अब तक आपको इन सारे मालवेज का बहुत अच्छे से पता चल गया होगा, बहुत अच्छे समझ आई होगी। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह के पान।